दोस्तों जैसे कि आप सभी को मालूम है कि सर्जिकल स्ट्राइक को जमीन पर हमला करके अंजाम दिया जाता है और एयर स्ट्राइक लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्राइक करने का भी एक अपना तरीका होता है। इस बारे में खुद एक एयरफोर्स के रिटायर ऑफिसर ने इस रणनीति के बारे में खुलासा किया है। हम आपको ये पूरा का पूरा वाक्य एनिमेशन फिल्म के जरिए बताने वाले हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर टीके सिंह ने कहा कि एयर स्ट्राइक के दौरान दुश्मन के एक ठिकाने पर हमला करने के लिए कम से कम 3 फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत होती है। एक के बाद एक 3 फाइटर एयरक्राफ्ट एयरबेस से उड़ान भरते हैं। आसमान में जाकर ये एक फॉर्मेशन बनाते हैं। इस फॉर्मेशन के तहत दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने वाला विमान बीच में होता है, उसके ऊपर दूसरा विमान होता है, तीसरा विमान उसके बराबर में चलता है। बीच वाला विमान का पूरा फोकस दुश्मन के ठिकाने को नष्ट करने के लिए होता है, जबकि बाकी के 2 विमान उसे स्क्वाड यानी कि सुरक्षा प्रदान करते हैं। अगर एयर स्ट्राइक के दौरान सामने से दुश्मन का विमान आ जाए तो ये 2 विमान जो कि ऊपर और बराबर में उड़ रहे होते हैं, उनका काम होता है कि दुश्मन के हमले से ऑपरेशन को अंजाम देने जा रहे विमान के पायलट की रक्षा करना, जिससे दुश्मन उसे ठिकाने पर हमला करने से न रोक सके। खास बात ये होती है जो साथ चलने वाले 2 विमान होते हैं वो हर तरह के हथियारों से लैस होते हैं। जब तक एयर स्ट्राइक में शामिल मुख्य विमान हमले को अंजाम नहीं दे देते तब तक ये दोनों विमान उसके आसपास मंडराते रहते हैं। तो दोस्तों आपने जाना कि किस तरीके से एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया जाता है।